पांच साल पहले जिस गठबंधन का द एंड हो चुका है, एक बार फिर उस गठबंधन की गांठ जोड़ने की कवायद चल रही है। अखिलेश यादव का मायावती को लेकर नरम रुख है तो मायावती अब किसी भी संभावना से इनकार कर रही हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच अब कौन सी खिचड़ी पक रही है। देखिए ये रिपोर्ट। अकेले क्यों खड़ी? अब इन्हीं सवालों के जवाब वो उपचुनाव से पहले ढूंढ रहे हैं, जब कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर वो तनाव में हैं। जो गठबंधन था वो ऐसा गठबंधन था जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी करना चाहते थे अपने जीवन काल में, वो नहीं कर पाए। इसीलिए आपको याद होगा उस समय मैं कहता था कि सपा बसपा का गठबंधन ये देश की राजनीति को बदलेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिसकी वजह से वो गठबंधन नहीं चल पाया। और बात बहुत छोटी आई है, किसने किसका फोन नहीं उठाया, किसने किसको फोन किया, आप सोचिए। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं फोन नहीं उठाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसकी वजह से गठबंधन टूट जाए ये ठीक नहीं। यानी अखिलेश यादव साफ तौर से इशारा कर रहे हैं कि गलती कुछ भी हुई हो, लेकिन 2019 में हुआ ये गठबंधन ऐतिहासिक था, और अगर ये चल रहा होता तो सियासी घटनाक्रम अलग होते। ऐसे में सवाल है, अखिलेश यादव अब भी गठबंधन को तैयार हैं? फोन वाली गलती का जिक्र, सफाई या मैसेज, ऐतिहासिक गठबंधन की नींव फिर पड़ेगी? गठबंधन में धोखे को सुधारने का वक्त आ गया है। उपचुनाव से पहले गठबंधन टूटने की बात क्यों हो रही है? ये वो सवाल है जो राजनीति में कभी भी संभावनाएं खत्म नहीं होने की ओर इशारा कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के टूटने के बाद से लेकर अब तक सार्वजनिक तौर से अखिलेश यादव ने मायावती को कुछ भी नहीं कहा। शायद इसके पीछे रणनीति यही रही है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया इस बात को जानते हैं कि उनके वोट बैंक को अगर अपनी तरफ करना है तो इन तमाम रणनीति को ध्यान में रखना होगा। आज भी अखिलेश यादव मायावती के लिए नरम दिखाई देते हैं। राजनीति के जानकार इस बात को मानते हैं कि मुलायम और कांशीराम के गठबंधन ने सभी सियासी पार्टियों के माथे पर बल्ला दिया था। परिस्थितियों के हिसाब से मुलायम कांशीराम की जोड़ी ज्यादा नहीं टिक पाई। वैसे सपा बसपा के वोट बैंक को मिलाकर देखें तो ये गठबंधन अटूट नजर आता है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाया और सियासी रिश्ता बिखर गया। वैसे मायावती को लेकर अखिलेश के नरम रुख के मायने क्या हैं? ऐसे में अखिलेश यादव के लिए जरूरी है कि वो किसी न किसी तरह से मायावती से अपने अच्छे संबंध बनाकर अगर किसी भी तरह की एक समझौते या गठबंधन के लिए उनको तैयार कर लेते हैं तो उनका ये पीडीए मजबूत तो होगा ही, और इसके साथ साथ जो एसपी और बीएसपी के बीच के तमाम सारे अंतर विरोध हैं शायद उसको भी वो दूर करने में सफल हों। लेकिन मुझे लगता है कि मायावती इस बात को अच्छी तरह से समझती। और मठाधीश की माफिया से तुलना से बीजेपी के नेता अखिलेश यादव से नाराज है। मैनपुरी में बीजेपी युवा मोर्चा ने कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला जलाया। ये लोग अखिलेश यादव की साधु संतों के गलत टिप्पणी को लेकर नाराज हैं।
इनका कहना है कि अखिलेश यादव को साधु संतों से माफी मांगनी चाहिए।